तो हाल ही में सैमसंग ने अपने दो फ़ोन लॉन्च हुए थे, M10 और M20। दोस्तों उसको टक्कर देने के लिए हमारा आ गया Redmi का Note 7। तो दोस्तों Redmi Note 7 को टक्कर देने के लिए आ रहा है हमारा Oppo का K1 स्मार्टफोन। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ पे हो रही है YouTube पे कि भैया ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और क्या क्या जान क्या क्या। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्या इसके फीचर्स के मुकाबले क्या इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा सस्ती है कि नहीं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए अगर आपको ये जानना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो चिपसेट के नाम पे आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660। आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाएगा विद MSM8956। तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल जाता है 1.5 GHz का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो रियल कैमरा आपको इसमें देखने के मिल जाएगा 16+2 MP रेजोल्यूशन का। आपको इसमें देखने के लिए रियल कैमरा मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो धूमधाम से एकदम फ्रंट कैमरा आपको इसमें 25 MP का देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी एकदम बहुत ही बढ़िया देखने के लिए आ रही है पिक्चरों में। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो जो डिस्प्ले आपको इसमें 6.4 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी विद वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, जो इसमें बहुत ही बढ़िया बात देखने के लिए मिल रही है। इसमें आपको ओमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है इतने कम प्राइस में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो दोस्तों बैटरी के नाम पे आपको 3600 mAh की बैटरी मिल जाएगी। और दोस्तों फिर इसमें क्विक चार्जिंग आपको देखने के लिए मुश्किल ही मिलेगी। जो लिथियम आयन बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा खास बैटरी इसमें इस्तेमाल की गई है। और दोस्तों सेंसर के नाम पे बात करें तो भैया इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में नहीं दिया गया है, जो इसमें सबसे बेस्ट बात की है भैया इसके प्राइसिंग के मुकाबले इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। और दोस्तों हम मान रहे थे कि इसका जो सेंसर होगा बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करेगा, बट जो इसको हमने देखा तो भैया इसका फिंगरप्रिंट बहुत ही ज़्यादा फास्टली काम कर रहा था, मतलब कि फुल पैसा वसूल। तो जो इस फ़ोन में थोड़ी सी निराशा की बात देखने के लिए आ रही है तो भैया इसमें एंड्रॉयड पाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें आपको 8.1 एंड्रॉयड ओरियो आपको देखने के मिल जाएगा। और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है कलर OS, और इसमें कलर OS 5 भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीडियो की एंड में कि ये भैया इसकी प्राइसिंग सस्ती है कि नहीं, और जैसे कि सब बोल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको इतनी फीचर्स इतने दामों में मिल रहे हैं तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपको 17,000 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल रहा है, 36 mAh की बैटरी मिल रही है, 25 MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, और विद वाटर ड्रॉप नॉच के साथ जो इसकी स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और दोस्तों जो इसका डिज़ाइन एकदम मस्त है, तो उसके हिसाब से तो भैया ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वरना अब हमारा जो Redmi है उसने में आपको उसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अब देखना यह है कि जो Redmi का Note 7 Pro है वो इस फ़ोन को टक्कर देना पाता है कि नहीं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी इस वीडियो की वजह से आपको कोई सवाल हो या फिर आपका सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मुझे यह भी कमेंट कीजिए कि Redmi Note 7 Pro इसको टक्कर दे पाएगा कि नहीं। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।